जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोगों के लिए जो इस बार एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि 25 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है और जो इसकी डेट एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके साथ साथ आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊँगा जो हम चाहे मैं हूँ चाहे ये 2017 का बैच है जो अभी ज्वाइन करने वाला 2021 में चाहे ये बैच है या उससे पहले भी जितने भी लोग ज्वाइन हुए हैं, ज्वाइनिंग करने से पहले भी फॉर्म भरते समय या ऐसी गलतियां करते हैं कुछ, मतलब दो तीन ऐसी गलतियां बताऊंगा कि जिससे आपकी फिर मतलब ये मान के चलिए कि फोर्थ का फिर सपना आपका सपना ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ये अभी 2021 में आप सभी को मैं बता दूँ लगभग 10,000 के समथिंग फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, लगभग 10,000 से ऊपर ही होगा आंकड़ा, नीचे नहीं है। ठीक है, कई लोगों को रिजेक्शन लेटर गए हैं, कईयों को रिजेक्शन लेटर नहीं गए, मेरिट लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। तो दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बार बार वो लोग करते हैं और उसका फिर हट जाना आपको भुगतना पड़ेगा बाद में, चाहे मैं हूँ चाहे वो है। साथ में फाइट चॉइस को लेके और जो आपकी जो फोर्स में आपको जाना है उसको लेकर कई प्रकार की गलतियां हैं और कईयों को ये पता नहीं होता है बेसिक जो इसका फॉर्मेट होता है कैसे है कि फर्स्ट चॉइस कैसे मिलती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि CAPF यानी SSC GD के द्वारा जो वैकेंसी ली जाती है CAPF की, इसमें 8 वैकेंसी है, NIA, SSF, CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP और असम राइफल। ये 8 वैकेंसी है जो अर्धसैनिक बल के रूप में SSC GD के रूप में इनकी वैकेंसी होती है, लेकिन कई लोगों को पता नहीं है कि इनका जो डिवाइडेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, इनका जो बेसिक फंडा होता है वो क्या होता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर देते हैं जिसका हट जाना उनको बहुत ही भुगतना पड़ता है, बहुत ही बुरी तरह। ठीक है, और लाइफ टाइम अगर आप एक बार सेलेक्ट हो गए, जैसे अगर आपको BSF में जाना है, आप एक बार गलती से CRPF में सेलेक्ट हो गए तो आप फिर लाइफ टाइम CRPF में रहोगे, फिर BSF में नहीं जा पाओगे क्योंकि अगली वैकेंसी आएगी 3 या 4 साल बाद, तो तब तक आप CRPF में 4 साल की सर्विस छोड़ के दूसरे पद पर थोड़ा ना जाओगे। सेम ही कैटेगरी अगर आप अप रैंक जा रहे हो तो आप भले ही चले जाओगे, लेकिन सेम कैटेगरी में आप जाओगे तो कितना मुश्किल। पहली बात तो आप जाना ही नहीं चाहोगे, क्यों? क्योंकि 4 साल बाद इधर आपकी पेमेंट अलग बढ़ी हुई रहेगी, उधर आपको फिर बेसिक से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वापस पोस्टें चेंज नहीं होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो गलतियाँ हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए SSC GD या डिफेंस से संबंधित जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में काम उनके और किस पर उनकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस चैनल से मिलती रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पहली गलती करते हैं दोस्तों, सबसे पहली जो गलती करते हैं जितने भी SSC GD में फॉर्म भरने वाले हैं, जितने भी दोस्त मेरे फॉर्म भरने वाले हैं 101% में लिख के दे देता हूँ, उनमें से 50% लोग डिपेंड करते हैं फर्स्ट चॉइस पर साइबर कैफे वाले के ऊपर। यानी जो आपका फॉर्म भरेगा उसको आप बोल दोगे कि आपके हिसाब से आप फॉर्म भर दो या आपके हिसाब से आप कोई भी फर्स्ट चॉइस कर दो, और फिर इसका हर्जाना तब भुगतना पड़ता है जब आपका पेपर हो जाता है, आपके नंबर देखे जाते हैं, उस समय फिर आपको इसकी याद आती है कि काश मैं उस समय ये नहीं करता, काश उससे पहले मैं एक बार वीडियो देख लेता कि कौन से डिपार्टमेंट की ड्यूटी कैसी है, कि काश मैं एक बार किसी से पता कर लेता कि कौन से डिपार्टमेंट में मुझे जाना चाहिए या मैं किसके लिए एलिजिबल हूँ या मेरे लिए बेस्ट डिपार्टमेंट कौन सा है। दोस्तों हर एक इंसान, सबकी घर की जो कंडीशन होती है अलग अलग होती है, जैसे कोई अपने घर में अकेला है, अकेला बेटा है, उसकी 5-6 बहनें हैं, कईयों के माँ बाप का एक बेटा है, या कोई लड़की है वो अपने माँ बाप के 2-3 लड़कियाँ उनके बच्चा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कि वो खुद चाहते हैं कि अपनी फैमिली को साथ के रखें। लेकिन इन फोर्सेज में से कुछ ऐसी फोर्सेज है जिनमें आपको फैमिली रखने की परमिशन अच्छी मिलती है, यानी आप 20 साल की नौकरी में आपको 17-18 साल तक आप फैमिली के पास में रहने की परमिशन मिल जाती है कुछ फोर्स में, और कुछ में आपको नहीं मिल पाती, 5-10 साल ही मिल पाती है मुश्किल से, वो भी बहुत मुश्किल से। तो फिर बाद में आके बोलते हैं कि सर मैं मेरे परिवार में अकेला हूँ, मैं हमारे मेरे पिताजी 3 भाई उनके बीच में मैं अकेला लड़का हूँ, या मैं अकेली लड़की हूँ, मेरी फैमिली साथ रखने चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली से दूर कैसे रहूँगी, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी। ठीक है, कोई शादीशुदा लड़की तो बोलती है कि मेरे हस्बैंड मतलब ऐसा काम करते हैं या मैं बच्चों को कैरी नहीं कर पाएंगे, हम फैमिली से अलग रहते हैं, तो ये मतलब समस्याएं बहुत आती है। लेकिन फिर उस समय याद आती है कि काश मैं उस समय अगर थोड़ा सा देख लेता कोई वीडियो और अच्छे से पता कर लेता कि मेरे लिए जॉब कौन सी सही है तो ये मैं गलती नहीं करता। तो दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी होनी चाहिए, आप किस कैटेगरी आपकी किस हिसाब से होनी चाहिए इसके बारे में। दूसरी पॉइंट, 90% लोग फॉर्म फिलअप करने के बाद में, पेपर देने के बाद में पोस्ट चेंज के लिए अप्लाई चाहते हैं, 90% लोग।
ये मेरे पास में मैसेज पड़े हैं पिछली वैकेंसी के, और जितने भी दोस्त पुराने वाले आपके ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने SSGD 2017 वाला पेपर दिया है उनसे पूछ लीजिए कि पोस्ट चेंज करने के लिए कितने लोग ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को ईमेल करते हैं कि हमारी पोस्ट परफॉर्मेंस गलत हो गई थी, हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके अलावा तीसरी गलती, फॉर्म भरने में डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको पता नहीं रहता वो कौन सी कैटेगरी में है, वो जनरल कैटेगरी में है, नक्सल कैटेगरी में, या कौन सी कैटेगरी में, ये गलती भी बहुत सारे लोग करते हैं। एक इसके अलावा अदर स्टेट वाला, अदर स्टेट से फॉर्म भरने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये लोगों को पता नहीं है और उनको उनके नियम भी नहीं पता है। अदर स्टेट से अप्लाई करने में फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, उनको पता नहीं। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो में आपको शुरू से बताने वाला हूँ पहले पॉइंट से कि आप अगर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो या जीवन भर अपनी फैमिली साथ में रखना चाहते हो तो आपके लिए कौन कौन से फोर्स बेटर है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो फैमिली परमिशन होती है वो, ये तीन फोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें सबसे अच्छी फैमिली परमिशन होती है SSF, NIA और CISF। इन तीनों फोर्स में आपको फैमिली रखने की सुविधाएँ सबसे अच्छी है, पैरामिलिट्री फोर्स में सबसे अच्छी फैमिली रखने की सुविधाएँ SSF, NIA और CISF। इन तीनों फोर्स में आपको फैमिली रखने की परमिशन सबसे अच्छी मिलती है बाकी सबकी तुलना में। तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं जीवन भर अपनी फैमिली के साथ रहूं या मेरे परिवार इतना मतलब पास में ही रहना पड़ेगा मुझे परिवार के, या मैं इकलौता हूं या किसी भी कंडीशन से, तो आपको मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि इन तीनों में से आप कोई एक फर्स्ट चॉइस को हिट करो, ठीक है। तो इन तीनों में फैमिली परमिशन सबसे अच्छी है बाकी सबके बजाय। तो अगर आप ये चाहते हो तो आपको इनके हिसाब से फर्स्ट चॉइस देनी है, साथ में ही आपको उसी हिसाब से पेपर की तैयारी भी करनी है। दो तीन नंबर की वजह से फिर आपको इसका नुकसान होता है दोस्तों, तो वो फिर बहुत ही गलत है। उसके बाद में दूसरी, अब जैसे BSF, CRPF या ITBP, ये जो तीनों फोर्स हैं, या पहले दो ले लो BSF और CRPF, ये लार्जेस्ट फोर्सेस है। यानी अगर आपको कोई कमांडोज बनना है, जैसे BSF के भी कमांडो, CRPF में कईयों का सपना होता है मुझे कमांडो बनना है, जैसे कोबरा कमांडो बनना है, वो केवल CRPF कमांडो ही बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखना, कईयों को पता नहीं है, ठीक है। NSG कमांडो, SPG कमांडो, ये सभी फोर्सेस से जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन फोर्सेस में रहने से आपको कमांडो बनने के मौके सबसे ज़्यादा मिलते हैं। साथ में अलग अलग प्रकार की ड्यूटी, जैसे VIP ड्यूटीज और भी अलग अलग प्रकार की जैसे ड्यूटी होती है, VIP ड्यूटीज होगी, RF ड्यूटी हो गई, रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में ड्यूटी होगी, NDRF के रूप में ड्यूटी हो गई, कोबरा कमांडो के रूप में ड्यूटी हो गई, या NSG SPG के रूप में, मतलब कई प्रकार की ड्यूटी, और विदेशी यात्रा का भी मौका मिल सकता है, तो उनके लिए ये दोनों फोर्स। इसके अलावा अब आप कम रिस्क वाली, कईयों को पता नहीं है, साथ में BSF और CRPF में आपको होता सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्क की अभी प्रेजेंट टाइम में फोर्स है तो वो CRPF को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि CRPF लार्जेस्ट फोर्स है पूरे वर्ल्ड में पैरामिलिट्री के रूप में, और साथ में इसकी ड्यूटियां भी सबसे ज़्यादा कश्मीर से लेकर देश के हर एक कोने में, तो सबसे ज़्यादा थोड़ा रिस्की वाला भी CRPF को माना जाता है। अब आप चाहते हो कि सेफ, तो CISF की ड्यूटी भी सेफ मानी जाती है, इसके अलावा SSB में लड़कियों के बारे में भी बताऊँगा लड़कियों को कौन सी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, तो SSB भी फर्स्ट सेफ मानी जाती है। असम राइफल उन लोगों के लिए जिनका सपना होता है आर्मी में जाने का और आर्मी में नहीं जा पाते, तो आपको बता दूं असम राइफल में कैंटीन सुविधाएं मिलती है, आर्मी की वर्दी पहनने का आपको मौका मिलता है, क्योंकि सेम ही वर्दी आर्मी की और असम राइफल की, कैप में थोड़ा सा फ़र्क होता है, तो उन लोगों के लिए भी असम राइफल अच्छी। साथ ही आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट उधर आपको ड्यूटी करने का अच्छा मौका मिल जाता है, और असम राइफल में इस बार लड़कियों की जो कट ऑफ रही है वो भी काफ़ी डाउन रही है, ज़्यादातर लड़कियों का नंबर यानी कट ऑफ जिनके नंबर कम थे उनका असम राइफल में हुआ है, क्योंकि असम राइफल में काफ़ी डिमांड थी और असम राइफल भी सेफ ही मानी जाती। दूसरा, इसके अलावा जैसे ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, और SSB नेपाल और भूटान के बॉर्डर पर ड्यूटी करती है, यानी बहुत ही ईजी ड्यूटी करती है, ज़्यादा हार्ड नहीं, मतलब रिस्क वाली ड्यूटी कम है। तो दोस्तों ये चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए, इस बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है फिर आप चॉइस के हिसाब से आपको पता ही नहीं कौन सी फोर्स कौन सा काम करती है। BSF के बारे में आप सबको पता होगा, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आपको लगभग पता है कि बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है, उसके अलावा भी कई प्रकार की ड्यूटियाँ करता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनका काम है वो यही है, तो इसके बारे में आपको पता है। CRPF के बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन ITBP, SSB, CISF और असम राइफल के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इनके बारे में मैंने बता दिया। लड़कियों के लिए अगर फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए तो NIA SSF आप दे सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब है। अगर फर्स्ट चॉइस इनको नहीं देते हो तो CISF और SSB आप दे सकते हो फर्स्ट चॉइस के रूप में, ठीक है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा।
ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। फैमिली सुविधाएं इसमें अच्छी है। CISF में जैसे मैंने बोला कि फैमिली सुविधाएं सबसे अच्छी है रखने के लिए। SSF NIME भी अच्छी है क्योंकि ये ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल सिटीज़ में ही ड्यूटी करती है, तो ये फैमिली रखने की सुविधा इनमें अच्छी मिलती है। दूसरा जो पॉइंट था मेरा वो ये था कि पोस्ट चेंज वाला, वो इसी में कवर होता है क्योंकि बाद में पोस्टें चेंज नहीं होती है। इसके अलावा अगर तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तीसरा पॉइंट है कि डिस्ट्रिक्ट वाले जो फॉर्म में गलती करते हैं, तो दोस्तों जब भी आप साइबर कैफे पे जाओ अपना फॉर्म फिलअप करो, सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ है उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो दोस्तों अगर आपका नक्सल और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो मैं आपको बता दूँ आपकी मेरिट बॉर्डर के हिसाब से बनेगी, ना कि नक्सल के हिसाब से, तो आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, जनरल डिस्ट्रिक्ट है, तो आपके नक्सल के हिसाब से मेरिट बनेगी, तो आप नक्सल कर देना, और केवल जनरल है वो तो जनरल से अप्लाई कर देना। तो इस बात की ध्यान रखें कि जो जनरल वाला है वो नक्सल से अप्लाई ना कर दे और जनरल वाला बॉर्डर से भी अप्लाई ना कर दे, नहीं तो वो फॉर्म आगे जाके आपका रिजेक्ट हो जाएगा आफ्टर मेडिकल, जैसे इस बार हुआ है। इस वैकेंसी में जिनके हुए हैं वो रो रहे हैं क्योंकि उनके नंबर बहुत अच्छे थे लेकिन उनके फॉर्म रिजेक्ट हो गए। इसके बाद में अदर स्टेट वाला कि अदर स्टेट से क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो उसमें कुछ स्टेट में ऐसे होते हैं, कुछ सीटें होती है फिक्स लिमिटेड, उन सीटों पर आपका नंबर आ सकता है कम नंबरों पर ही। लेकिन अगर आपका उनमें नहीं आता उन स्टेट से तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने स्टेट की मेरिट को फाइट करते हो तो आपके अपने स्टेट की मेरिट से भी आप नंबर ले सकते हो, लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये है कि आपकी आयु 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, उसमें आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा अगर आप OBC ST से बिलोंग करते हो तो उसके लिए फिर आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें इस बार के SSGD की वैकेंसी में, ताकि आपके लिए अच्छा रहे और अच्छे से फिर आपको पछताना ना पड़े।